हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक सुपर क्रंची चॉकलेट बॉल की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी। तो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मेरे पास है 3 कप मुरमुरा यानी कि मूढ़ी या पफ राइस। ये 2 तरह की होती है, एक तो इस तरह की ऑफ वाइट और एक वाइट कलर की। डिफरेंस यही होता है कि दोनों में अलग तरह का चावल यूज़ किया जाता है। तो मैं ऑफ वाइट इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि एक तो ये बहुत क्रंची होती है और हल्की सी सॉल्टी भी, जो एक स्वीट डिश में मीठे को बैलेंस करती है। अगर आप वाइट वाली यूज़ कर रहे हो तो उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें, उसमें डालें 1 कप जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर, या फिर आप गुड़ को छोटे टुकड़ों में डाल के वो यूज़ करें। उसमें डालें 1/2 कप पानी। अब एक बॉयल आने दें। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, यह हमारा मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और पका लेंगे हम। अब एक टेस्ट करेंगे कि हमारे लड्डू बनने लायक हुए हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा मिश्रण इस तरह पानी में डालें, अगर वो फैल जाए तो अभी हमें इस गुड़ के मिश्रण को अभी और पकाना है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद मैं फिर से टेस्ट करूंगी। पानी में फिर से थोड़ा सा डालें। अब इसे इस तरह उठा के देखें, अगर ये उड़ जाए और इस तरह का आप एक इसे इकट्ठा कर सकें तो अब हमारा मिश्रण बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मूढ़ी को डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसके बाद हाथों को हल्का सा ग्रीस करें और मिश्रण के थोड़ा सा गर्म रहते ही इसके इस तरह लड्डू बनाने हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके बनाने शुरू कर देंगे। तो ध्यान रहे कि मिश्रण हमारा गर्म होना चाहिए, वरना लड्डू नहीं बनेंगे अगर ये पूरा ठंडा हो गया तो। तो लड्डू आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके रखा हुआ है। अब उसमें एक एक इस तरह मुरमुरे का लड्डू डालें और इस तरह कांटे की सहायता से इसे चॉकलेट में अच्छी तरह से डिप कर लें। उसके बाद उसे बटर पेपर पर निकाल लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो एक थाली को तेल या घी से ग्रीस करके उस पर रख दें। तो इस तरह हम सारे लड्डुओं को इस तरह चॉकलेट में कोट कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से मैं उसे और सजाने के लिए स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। आप छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स को कट करके वो भी डाल सकते हैं। कि बहुत ही अच्छी तरह से अब इसमें चॉकलेट ऊपर सेट हो चुका है। तो अब मैं इसे आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चॉकलेट कोट हुआ है और बीच में क्रंची पार्ट। तो ये स्नैक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यूनिक सी है। आप ज़रूर से ट्राई करना। तो रेसिपी पसंद आने पर इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और इन्हें इम्प्रूव करने के लिए मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए।